तो मैंने लास्ट वीडियो में आप सबसे पूछा था कि मैं कौन सी बाइक ले रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही गेस करा था। अरे पल जप तेरा नाम, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, क्या चल, आपके ठीक ही हो गए यार। सो गाइस, आपने थंबनेल और टाइटल बिल्कुल सही देखा है, मैं अपनी लाइफ की पहली सुपर बाइक ओन करने जा रहा हूँ, उसकी डिलीवरी लेने जा रहा हूँ। काफी लोगों को लगता था मेरे पास बहुत सारी सुपर बाइक्स हैं, जो कि रियलिटी भी है, हमारे कावासाकी शोरूम में काफी सारी सुपर बाइक्स हैं जो कि मैं कभी भी चला सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बट मैं अपने घर के लिए अपनी पर्सनल बाइक, जो कि मैं कहीं भी जैसे मर्जी ले जाऊँ और उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो उसके लिए मैं आज एक बाइक बाय करने लगा हूँ। सेकेंड रीजन ये भी था यार, मैं रोज ना कार पर जाता हूँ ऑफिस, और मुझे भीड़ भड़ा के ट्रैफिक से इतनी एलर्जी है ना कि क्या बताऊं, मुझे प्रॉब्लम होने लग जाती है कि भाई मैं क्यों रुकाऊं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उसके लिए बाइक बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहती है, तो डेली कम्यूटिंग अब मैं बाइक से करा करूंगा। होपफुली आपको बहुत अच्छे अच्छे मोटो ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। एंड सेकेंडली, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ यार कि मैं बचपन से ना कभी भी बेफालतू की डिमांड नहीं करता था अपने पेरेंट्स से। मुझे पता होता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे ये दिला सकते हैं, ये नहीं दिला सकते, तो जो चीजें दिला सकते थे उसी की इज्जत करता था, जो चीज नहीं दिला सकते थे उसकी इज्जत कभी भी नहीं करता था। तो आज मैंने अपने पैसों से, मतलब अपने पैसे कमाए, और उसके लिए मैं बाइक लेने जा रहा हूँ, बट उसकी भी परमिशन मैं पेरेंट्स से लेता हूँ। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, यंगस्टर्स हैं और उनको बाइक का शौक है, तो प्लीज इस चीज को ना दिमाग में रखो कि अपने पेरेंट्स से उतनी ही इज्जत करो जितनी आपकी चादर हो। वही कहते हैं ना, जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए, तो बस यही है, ये मुहावरा बिल्कुल ठीक है। तो इसी को दिमाग में रखते हुए चलते हैं और करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। बल्ले बल्ले ते शाबा शाबा, आगे आपका हर्ष पवार, शाबाश। आज जोश से कर रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा जोश है, मतलब एक्साइटेड तो इतना नहीं कह सकते, क्योंकि काफी सारे लोगों के सपने पूरे करता है। सपने मैंने नहीं पूरे करे, वो पैसे देते हैं, मैं बाइक देता हूँ, सपने पूरे करने वाला ऊपर वाला है। बस ये है कि खुशियां बांटता आया हूँ, तो आज अपने घर भी एक खुशी आने वाली है। थोड़ा बहुत बस गुदगुदी सी हो रही है, इतना भी एक्साइटेड नहीं हूँ, बट ठीक है, आपको शोरूम चलते हैं और वहाँ पे जाके डिलीवरी दिखाते हैं। भाई साहब, अभी मैं घर से निकला शोरूम की तरफ, तब दिमाग में आया कि भाई चाबी तो मेरे पास ही है जिस बाइक की डिलीवरी लेने जा रहा है, तो वो घर रह गई थी एक्चुअली, दूसरी जैकेट में पड़ी थी। तो अभी चाबी लेने वापस गया, 2 किलोमीटर आगे निकल गया था, वापस गया चाबी लेके, अभी आया हूँ और अभी वापस से शोरूम जा रहे हैं। और ना मुझे एक चीज जरूर एक्सपेक्टेड है कि अजिता पाजी ने शोरूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट करा होगा और बहुत सारी तैयारियां करी होंगी मेरी डिलीवरी के लिए, जितना मैं उनको जानता हूँ। ठीक है, देखते हैं, बाकी शोरूम जाते हैं और आपको भी दिखाएंगे। मैं आप सबको रास्ते में बोलता हुआ आ रहा था ना कि जैसे ही मैं शोरूम पहुंचूंगा कुछ ना कुछ डेकोरेट हुआ होगा। भाजी सब चार्जेबल है, चार्जेबल तो है, पैसे ले लेना यार, बट जो भी इन चीजों की खुशी है ना भाजी, बोला भाजी हमें करते ज्यादा हुई है। आपने पहली बाइक ली थी, कितनी खुशी हुई थी भाजी, पागल हो गया था, है ना, डिलीवरी तो नींद नहीं आई थी, सुबह माइंड में चल रहा है कि भाई ये करना है, यार ये मेरी बाइक आ रही है, मेरी बाइक आ रही है, खुशी के बारे में पागल होता ही है ना। बस वही चीज मेरे को भी थोड़ी बहुत है। सर, तूने अपनी पहली बुलेट ली थी तब, मैं क्या नहीं था, नहीं क्या था? मैं आई थी तब तो खुशी हुई होगी, आप खुशी हुई थी बस चलाने को पिछली बार, होता ही है, तेरी पहली बाइक आई हो तब खुशी होती है, होती है तो वही है यार, बाइक जब घर आती है ना पहली बार तो खुशी जरूर होती है। हालांकि कितने टाइम से भाजी मैं सुपर बाइक चला रहा हूँ, बट अपनी बाइक ऑन करने की खुशी अलग होती है। देखो कितनी तगड़ी डेकोरेशन कराई है, क्या बात है, सिल्वर, गोल्डन, ब्लू, व्हाइट। तो इसी जगह पे अभी हम डिलीवरी लेंगे, मेरी बाइक बाहर रेडी हो रही है, उसकी आवाज आप सुन ही रहे होंगे, यहाँ पे बाइक खड़ी करके सबको बुला के डिलीवरी करेंगे। Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. कॉफी पी रहा हूँ अभी फिलहाल, पीछे बाइक रेडी कर दी है, साहिब सर का वेट हो रहा है, जैसे ही वो आएंगे की हैंड ओवर करेंगे, बाइक की डिलीवरी लेंगे, फिर गुरुद्वारे मत्था टेकने जाएंगे भाइयों के साथ, चलोगे ना? तो मैंने लास्ट वीडियो में आप सबसे पूछा था कि मैं कौन सी बाइक ले रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही गेस करा था। मैंने बताया था कि मैं 2 राइड एक ही बाइक पे कर चुका हूँ, मतलब Z900, जो कि ये ही सामने, अभी अनवील करेंगे और आपको दिखाएंगे कौन सा मॉडल है, कैसी बाइक है और उसमें क्या क्या लगा हुआ है, सर के साथ। मैं कह रहा हूँ कि आग लगाने वाली आग लगा देती तो बढ़िया लगता।
change. I had to leave to find my way. Caught up in a daydream, leave my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this space scene. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? My fame brings money. Success is a finicky thing. But if you ain't sure, no, it'll never be. राहुल मेरा भाई कह रहा है मैं बाइक स्टार्ट करूंगा. To find a way to change, I had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place scene. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings by. So finally, मैंने अपनी पहली सुपर बाइक की डिलीवरी ले ली है. बहुत खुशी हो रही है अंदर से, मतलब दिल खुश है बहुत ज़्यादा. और एक और डिलीवरी के लिए अभी हम जाने वाले हैं, जो कि है थार की डिलीवरी. एक्चुअली एक सर थे जो कि हमारे पहले कस्टमर थे, उसके बाद हमारे फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, तो उनकी खुशी में शामिल होने जा रहे हैं. उन्होंने बोला था, हर्ष जब भी मेरी थार की डिलीवरी होगी मैं तेरे को बुलाऊंगा, ज़रूर आई. मैंने कहा ठीक है सर. तो आज मेरी की डिलीवरी भी थी, उनकी थार की भी डिलीवरी है, तो वहां पे जाते हैं, उनकी खुशी में शामिल होते हैं और आपको भी दिखाते हैं, आप भी एंजॉय करना. और हाँ यार, एक और चीज है, मैंने 900 क्यों चूज करी, क्या रीजन था, वो मैं आपको अभी आके बताऊंगा इसके बाद. हमारे जितने भी पुराने फॉलोअर्स हैं उनको सबको पता होगा कि हम बीच में ना जिप्सी लेने का प्लान कर रहे थे, जो कि बहुत मन था, मतलब दिल से मन था. फिर हमें पता लगा दिल्ली में ओपन जिप्सीज अलाउड नहीं है. फिर हमने क्लोज जिप्सी का ट्राई करा कि कहीं से अच्छी मिल जाए, बट एट दी एंड हमारा प्लान थोड़ा डगमगा गया. उतने में आपके भाई ने सुपर बाइक की डिलीवरी ले ली, बट अभी भी हमारा प्लान ऑन है. मतलब अभी हम वही बात कर रहे थे कि कभी भी अगर हमें अच्छी जिप्सी मिलती है ना तो हम ले लेंगे. क्यों सर? बिल्कुल, मन तो बहुत है यार, बट अभी तो हम थार की डिलीवरी लेने जा रहे हैं, उसी के सपने देखेंगे, उसको एक बार चला के जरूर देखेंगे अगर मौका मिला तो. क्यों भाई? ये तो बस अनएक्सपेक्टेड सा होगा अगर मिल गई तो. हाँ नहीं, मिल जाएगी, अच्छे बंदे वो, कहेंगे चला ले, पहली राइड हर्ष चलाएगा. भाई साहब ये देखो, सर्विस स्टेशन आप पहुंच के हो ना तो आपको ऐसी एक्सीडेंटल कार्स दिखती है जिसको देख के बंदा डर ही जाए. क्यों भाई? बिल्कुल. तो अभी हम फिलहाल महिंद्रा के सर्विस स्टेशन और शोरूम पहुंच गए. यहाँ पे भाई गाड़ियाँ चेंज कैसे होंगी? ये तो वॉक्सवैगन है ना, आगे वाला महिंद्रा है, ये रहा. अच्छा. यस ब्रो. तो ये हमारी थार जाते हुए, बाय बाय. और ये इनकी थार है. क्या हाल है संजीव सर? आपसे मिला रहा हूं. तो ये संजीव सर हैं जिन्होंने हमसे निंजा 650 ली थी, राइट? अभी इनका टेनर लेने का भी मन है, बट उससे पहले इन्होंने दो दिन पहले डुकाटी भी ले ली. क्या बात, रेड डुकाटी, रेड आपकी थार आ गई. बैंक वैंक तो नहीं लूटा ना आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल. आपने जैसे सजेस्ट करा, आपसे डिस्कशन करके फोन पे मैं उसी की अकॉर्डिंगली डुकाटी लिया. राइट, व्हिच इज सजेशन. ये कह रहे थे कुछ अलग करना है, मैंने कहा ले लो डुकाटी, कोई ऐसी बात नहीं है, मजा आएगा कुछ चलाने में, कुछ अलग हो जाएगा. टेनर नए वाली आएगी 2022 मॉडल में भी, वो भी ये लेंगे. तो प्लानिंग तो यही है, बाकी अभी फिलहाल हम थार को एंजॉय करेंगे, ये हमारा मकसद है, राइट? बिल्कुल. अभी हमारी थार नीचे गई है, उसमें कुछ क्रोम फिटमेंट हो रही है जो कि बहुत सुंदर लगेगी, मैं आपको दिखाता हूँ. इसमें ये वाला पार्ट अभी क्रोम हो जाएगा, ये भी क्रोम हो जाएगा, ये भी क्रोम हो जाएगा, आगे ये भी क्रोम हो जाएगा, ये भी और बहुत कुछ. मतलब ये भी, यहाँ पर भी एक क्रोम होगा, यहाँ पर भी एक क्रोम होगा, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, मतलब बहुत सारी जगह. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place scene. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. So ये जो पीछे ब्लैक कलर की कार खड़ी है, इसमें कुछ भी क्रोम नहीं लगा हुआ, आपको मैं दिखाता हूँ. अभी ये पूरी लोड हो गई है, सब कुछ देख रहे हो आप, कितना सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत अमेजिंग लग रही है. पहले मैं सोच रहा था कि भाई बाइक लेके कहीं गलती तो नहीं करती, बट अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके हम भी प्लान करेंगे, अब भी थार लेंगे. दिल आ गया सर, क्या कहता है भाई? जाने का दिल नहीं कर रहा, जाने का दिल नहीं कर रहा, मन कर रहा हम ही चला के ले जाए इसको, अपनी गाड़ी पे जाने का दिल नहीं कर रहा. बट ठीक है यार, कैसी लगी सर आपको? ये संजीव सर के फ्रेंड ही है, भाई bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Sanjeev sir मुझे फोर्स कर रहे थे कि पहली राइड आप लो, मुझे भी याद रहेगा कि आपने लिया, बट मैंने कहा नहीं, कार किसकी है, आजो आजो सर. मैंने कहा कार आपकी है तो आप ही पहली राइड लोगे भैया, ऐसा नहीं है. मुझे हर बार हर बंदा फोर्स करता है कि आप पहली राइड लो, आप लो. मैं हर बार ही मना करता हूँ, आपने लिया चीज, पहली बार उद्घाटन आप ही करो. आपके में भगवान का नाम कैसे लिया जाता है? हम तो बोले सोनिया ओम नमः शिवाय करके गाड़ी स्टार्ट. अरे भाई डिस्प्ले चेक करो, प्यारा डिस्प्ले, इस पे कुछ लगा हुआ आई थिंक अभी है ना, ये उतार देंगे बाद में. बट अच्छा यार, डिस्प्ले इज गुड, इंटीरियर इज अगेन गुड. कैसा लग रहा है आपको? यार लेट मी जस्ट tell you honestly, the height is very good and the interior is quite
इंप्रेसिव एंड थोड़ा डिफरेंट है, मजा आएगा। इट गिव्स अ मैच। अभी तक आप BMW चला रहे थे राइट? जी जी, इसके बाद कुछ डिफरेंट ही लगेगा। दिस कार्स आर मोर मेड फॉर द ऑफ रोड राइट, सो नॉट लाइक द बाइक साउंड्स, इट्स नॉट दोस काइंड ऑफ फीलिंग, करेक्ट सर, बट ऑफ यस दिस इज वेरी साइलेंट इनसाइड, होपफुली यू विल लव दिस। या या श्योरली, चलो सो लेट्स गेट गोइंग। श्योर सर, बाय बाय। अरे भाई दिल आ गया, दिल कसम से दिल आ गया। सोच रहा हूँ अभी मैं यही बात कर रहा था, i20 बेच के अपनी Xenoso बेच के यही ले लेते थार बेसिक मॉडल, क्या कहता सर? नहीं ये मना कर रहा, कह रहा नहीं पाजी पागल, दो चीजें बेच के एक चीज मिलेगी। मैंने कहा मजे भी तो उतने ही आएंगे, बाकी यार अल्टीमेट एक्सपीरियंस, दिल खुश हो गया। बाकी जो सर थे ना अभी वो BMW राइड करते हैं कार, उससे पहले भी उन्होंने बताया मेरे पास पजीरो थी या बहुत सारी कार्स थी जो कि कीलेस थी, पुश बटन स्टार्ट थी, तो उनके लिए तो ये बहुत नॉर्मल कार है। वो कह रहे थे यार थोड़ी रॉ कार होगी, पता नहीं मजा आएगा कि नहीं आएगा, बट मैंने कहा सर इसका मजा ही अलग है, चला के जरूर देखना जो भी है भाई, अल्टीमेट लुक्स, क्या कहते सर? तो पगड़ी बांध के आया था, तो दिल ही नहीं कर रहा था यार, घर जाने का था कि ऐसे उसी में जाओ। इसको ना साफ सफाई करने का बड़ा शौक है, इसका दिमाग वहीं गया, कहता जब पाजी आगे वाले शीशे पे कपड़ा मारूंगा ना सुबह सुबह दिल खुश हो जाएगा, सच्ची में सही कह रहा है। जब इतनी बड़ी गाड़ी रखूंगा मैं खुद थोड़ी कपड़ा मारूंगा, ये बात फिर तो बंदा रखेंगे। हर्ष मेरे भाई, थार की डिलीवरी से बाहर आ जाओ और रियलिटी में आ जा भाई, ये है रियलिटी। Z900 हमारे पास आ चुकी है, डिलीवरी हम ले चुके हैं। भाई मैंने Z900 क्यों लिया और इसमें अभी क्या क्या एक्सेसरीज ऑलरेडी लगी हुई है बाइक में, वो सब मैं आपको पहले दिखाता हूँ। मेरा मेन रीजन इस बाइक को लेने का ये था कि भाई आपको पता है मैंने एक राइड इस पे करी थी मुंशियारी और एक राइड करी थी अभी रिसेंट वाली नेपाल, जो कि सबने देखी होगी। सो भाई मैंने कम से कम नहीं तो इस पे 7-8 हज़ार ट्रैवल करा और इसका हैंडल बार इज वेरी कंफर्टेबल, अपराइट पोस्चर है, सिटी में चलाओ बाहर चलाओ। और मैंने स्टार्टिंग में आपको एक रीजन बताई दिया था, वो ये कि मेरे को डेली कम्यूटिंग के लिए एक बाइक चाहिए थी, मैं गाड़ी से परेशान हो गया था, जाम जूम इतना होता ना भाई बात की, भाई दिल्ली के जाम से बचने के लिए अपने को एक बाइक चाहिए चाहिए। बहुत लोग कह रहे थे कि आप ZX10R ले रहे हो, H2 ले रहे हो, भाई मेरा बहुत मन था, ऐसा नहीं है कि बजट नहीं अलाउ कर रहा था, बजट भी अलाउ कर रहा था, बट ZX10R की एक प्रॉब्लम है भाई। प्रॉब्लम क्या है? सब ठीक है, ये जो इसका राइडिंग पोस्चर है ना सिटी के लिए इज गुड, लॉन्ग ट्रैवल के लिए मुझे ट्रैवल करना होता है, आप सबको पता है कहीं ना कहीं मैं जाता रहता हूँ, तो उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, ये चीज़ें दर्द करती। अब भाई मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा होता तो मैं ज़रूर लेता ये, बट अभी फिलहाल नहीं। बहुत जल्दी आपको एक सुपर स्पोर्ट्स भी मिलेगी, एक टूरिंग बाइक भी मिलेगी, मैं भी एक अच्छा गैरेज तैयार करने वाला हूँ। सो ये रीज़न था, और बाइक में अभी क्या क्या लगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इसमें पहली चीज़ है भाई ये फ्रेम स्लाइडर, ये आफ्टर मार्केट फ्रेम स्लाइडर्स हैं, ये इसकी रेडिएटर ग्रिल है जो कि आफ्टर मार्केट है, इसमें LED लाइट्स भी लगी हुई हैं जो कि हेलोजन आती थी पहले, अब वाली में LED आती है बट इसमें हेलोजन लगी हुई थी। इसके अलावा एक फोन माउंट मैंने लगवाया हुआ है, ये मैंने लगवाया था, ये बाइक में लगा हुआ नहीं आया था। और उसके बाद भाई मेन चीज हमारी स्कॉर्पियन फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, इसके टाइटेनियम हेडर्स हैं, ये मेरे ख्याल एग्जॉस्ट भी 130,000-140,000 रुपए का आता है, मेरे ख्याल उससे भी ज्यादा का है, चेक करवाऊंगा आपको प्रॉपर बताऊंगा। उसके बाद ये टेल टाइडी जो कि पीछे से बहुत सुंदर लगती है भाई बाइक, एक बार दिखाइए यार, ये देखो टायर की ना पूरी शेप दिखती है इसमें, मतलब टेल टाइडी से ना यार बहुत बढ़िया लुक्स आती है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मेरी बाइक में लगी हुई थी, और थैंक यू सो मच भाई आप सबको इतना प्यार देने के लिए, इतनी खुशी मिल रही है ना इस बाइक को ओन करके कि क्या बताऊं। अब आने वाले व्लॉग्स आपको इसी पे मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मोटो व्लॉग्स, बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवल व्लॉग्स आपको इसी बाइक पे देखने को मिलेंगे। बस इस बाइक का ना मुझे एक नाम सजेस्ट करो जिस नाम से मैं इसको बुलाऊं और आप सब भी बहुत खुश हो कि भाई ये नाम अच्छा है। बल्ले बल्ले तो शावा शावा वाला भी डायलॉग ना मुझे किसी ने ही बताया था, मतलब आप सब में से एक बंदे ने मुझे बताया था, तो वैसा ही कुछ इस बाइक का नाम भी सजेस्ट करो। सो गाइस ठीक है, थैंक यू सो मच। अब ये बाइक मैं कल लेके जाऊंगा घर पे, मम्मी का रिएक्शन भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, होप करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और हमारे कैमरामैन को देखो भाई, आज सरब को मैंने कैमरामैन बना दिया, कह रहा भाई कोई बात नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हेल्प करने के लिए, हाँ आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा राजी है। एक काम कर 5 सेकंड दे भाई, बहुत टाइम हो गया था, दे 1, 2, 3, 4, 5, तो भाई ये 5 सेकंड थे लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, क्योंकि आप सबको ना टाइम नहीं मिलता तो इसलिए मैंने 5 सेकंड दे दिए, उसके बाद बता रहा हूँ। टाइम इनके पास पूरी वीडियो का होती है, थोड़े से डीट भूल जाते हैं ना, हाँ डीट भी है। पता है मैंने ये चेक कर रहा था कि मेरी वीडियोस जो है 60% बाहर की ऑडियंस देखती है, 40% मेरे सब्सक्राइबर्स देखते हैं, तो इसका मतलब समझ रहा है 60% ऑडियंस वीडियो देख के चली जाती है, गलत बात है ना, बोल दे यार एक बार सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो कर लो अच्छा लगेगा, हम पैसे नहीं लेते, हाँ आगे जाके हो सकता है पेड भी हो जाए, अभी फ्री है। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू, बोल दे लव यू, लव यू, चल।